अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं शेफ साइम। आज हम एक कप सूजी और चंद सब्जियों की मदद से बनाएंगे मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स। और रमज़ानों के लिए और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक नॉन स्टिक की फ्राइंग पैन, उसमें डालेंगे तेल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर उसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, फिर डालेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच, भून लेंगे इनको थोड़ा सा, फिर डालेंगे इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और डालेंगे कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसको भी थोड़ा भून लेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका, और डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक तरीके से ये बगाड़ लगाया है हमने मसालों का। फिर इसमें शामिल करेंगे बारीक कद्दूकश हुआ हुआ 1 अदद आलू, बारीक कद्दूकश हुई हुई 1 अदद गाजर, और बारीक कद्दूकश हुई हुई 2 अदद शिमला मिर्च। और इन सब सब्जियों को इस बगार में अच्छे तरीके से भून लेंगे। इनको भूनना है और इनका पानी सुखाना है, फिर नमक डाल के भूनेंगे। नमक डालना है हसबे जायका, और जब पानी अच्छी तरह सूख जाए तो फिर शामिल करेंगे इसमें 1.5 कप पानी। और फिर चूल्हे पे छोड़ देंगे ताकि उबाल आ जाए इसके अंदर। उबाल आने के बाद डालेंगे इसमें सूजी 1 कप। सूजी डालने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, गुठलियाँ ना बने इसके अंदर। बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना है स्पैचुला, और इस तरह का जब स्मूथ मिक्सचर बन जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 खाने का चम्मच। भूनते भूनते ही धनिया को शामिल करेंगे, धनिया को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब धनिया मिक्स हो जाए तो ये तैयार है। इसकी शक्ल एक डो की तरह होनी चाहिए, जिस तरह ये शक्ल आ रही है। अब बटर पेपर के ऊपर सब कुछ निकाल लेंगे मिक्सचर को, और इसको शेप कर देंगे। आप चाहें तो किसी ट्रे के अंदर भी शेप कर सकते हैं। शेप देने के बाद कर लेंगे इसको कट, किसी भी अंदाज में कट करें, स्क्वायर, डायमंड या रिंग्स। इस प्रोसेस पर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, रमजानों के लिए बनाकर रख लें, फ्रीज कर दें और निकालने के बाद फ्राई कर लें। मैंने कटर्स का इस्तेमाल किया है डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए। बच्चों को ये बहुत एक्साइट करती हैं इस तरह की शेप्स। इसमें स्टार है, फ्लावर है, ट्राइंगल है। डीप फ्राई करेंगे इन्हें हाई फ्लेम पर ताकि ये क्रिस्पी हों। लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना वरना ये फैल जाएंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और सर्व कर दें केचप या चटनी के साथ। मज़ेदार स्नैक्स तैयार हैं। देखें सिर्फ 1 कप सूजी से हमने कितने मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा किसी और नई रेसिपी में आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।